بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام ماسك تونكلي بارك درايف تورنتو كندا Monday after Asr Salah 14th Ramadan 15th of September 2008 Sijda at Quran Tilawat Separate prayer room in the house Hazrat Zakaria alayhi wa sallam took care of Hazrat Maryam alayhi wa sallam. What should we do with the written verses of Quran or photograph of Kaaba Sharif? The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. Sual. अगर कोई सजदे तिलावत न करे तो क्या होगा? मुर्गा बनाया जाएगा। जब कोई फर्ज या वाजिब हुक्म को नहीं करेगा, नहीं बजा लाएगा, छोड़ेगा तो सरजनिश किया जाएगा, सलाह दिया जाएगा। मगर ये सजा दुनिया में नहीं, ये आखिरत में सजा है। हर फर्ज और वाजिब का यही है कि अगर उसे नहीं किया है तो उसकी सजा आखिरत में पानी। और सजदे तिलावत के बारे में बराए मेहरबानी तफसील दीजिए। क्या तफसील दू, मेरी समझ में नहीं आती। सजदे तिलावत के बारे में क्या तफसील दी? ये सजदा है। कुरान करीम में 14 आयतें ऐसी हैं कि अगर वो पढ़ी जाएं या उनको सुना जाए तो औला और बेहतर ये है कि फौरन सजदा करें। आयत सजदा पढ़कर फारिग हुए उसी वक्त सजदा को, सुनकर फारिग हुए उसी वक्त सजदा करो। इसी वजह से नमाजों में जहां आए थे सजदा पढ़ी जाती, वहीं सजदा किया। लेकिन अजमी लोग जो कुरान को समझते नहीं, वो फौरन सजदा नहीं करते। जब तिलावत पूरी करेंगे तब करेंगे, या जब कुरान पूरा करेंगे तब 14 सजदे साथ कर लेंगे। ये कुरान न समझने की वजह से ऐसा होता है। अगर कुरान करीम समझ रहा है और पढ़ रहा है तो उस आयत करीमा से सजदा किए बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। वो आयत ऐसा पकड़ लेगी कि सजदा न समझो तो क्या। हाँ, कोई उज्र हो, मतलब वजू नहीं, या पाक जगह नहीं, और सजदा करने के लिए, जैसे सफर में नफल नमाज पढ़ने के लिए सवारी पर आप नफल पढ़ सकते हैं, नफल नमाज सवारी पर पढ़ सकते हैं। किबले की तरफ मुंह करना जरूरी नहीं, रुकू सजदा जरूरी नहीं। इसी तरह सजदे तिलावत आप सवारी पर हैं, जिधर भी सवारी का मुंह है सजदे तिलावत उसी वक्त करना है। मगर अल्लाह के कलाम के न समझने के भी बड़े करिश्मे हैं। ये भी एक करिश्मा है कि आयत सजदा पढ़कर बेधड़क आगे गुजर रहा है, जब तिलावत पूरी करेगा तब सजदा करेगा, या कुरान पूरा करेगा तब करेगा, ये न समझने का नतीजा। अगला सवाल है, सजदे तिलावत क्यों करना पड़ता है? ये सवाल भी कुरान न समझने का नतीजा है। जो कुरान पाक समझता ही नहीं है उसको मैं कैसे बतलाऊं कि सजदे तिलावत क्यों करना पड़ता है? ये उन आयतों में, जो सजदे की आयतों में है, उन आयतों में ये मजमून है, वहां अल्लाह का हुक्म है सजदा करने का। बस कोई शख्स उन आयतों पको आयत को उस आयतों को पढ़कर सजदा किए बगैर वहां से बढ़ ही नहीं सकता। न समझे कुरान को तो फिर उसको कैसे समझाया जाए? वो सारी 14 आयतें पढ़नी पड़ती हैं। उन 14 आयतों में 3 तरह के मजामिन हैं। बाज में तो हुक्म है,
कुरान पढ़ने वाले को कि सजदा कर। जब वो कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है और ये जान रहा है कि ये अल्लाह मुझसे खिताब फरमा रहे हैं, फिर जब अल्लाह कहें सजदा कर, वो सजदा न करे कैसे हो सकता है? कहीं अल्लाह के नेक बंदों का, मोमिन बंदों का जिक्र है, चाहे इंसान हो, चाहे फरिश्ते हो, चाहे अंबिया हो, चाहे उम्मती हो, कि उनका हाल ये है कि जब भी उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, ये उनका हाल बयान हुआ है। बस ऐसी जगह पर हमें भी उस जगह सजदा करके उन अच्छे बंदों में शामिल होना चाहिए। तीसरे मजामिन वो हैं जहां गुज़िश्ता किसी नेक बंदे के सजदे का जिक्र आया है कि उनसे कोताही हुई तो उन्होंने सजदा किया और अल्लाह ने उनको बख्श दिया, वहां सजदा हमें करना चाहिए या नहीं, इसमें इख्तिलाफ है। हजरत इमाम शाफ़ी अलैहि रहमा के यहां ऐसी जगह सजदा नहीं है। वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता एक पैगंबर ने उनसे एक लफ्ज़िश हुई, कोताही हुई और उन्होंने सजदा किया। सुभानअल्लाह, बहुत अच्छा किया, हमें तो कोई ऑर्डर नहीं, हमें तो कोई हुक्म नहीं, हम वहां क्यों करें? लेकिन इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा ये फरमाते हैं कि उस जगह हदीस से सजदा साबित है, हुजूर से भी सजदा साबित है और सहाबा से भी सजदा साबित है। और जब कोई बात नस में, वो हदीस ये है, वो एक ही जगह है, सूरे सौद, हजरत दाऊद अलैहि सलातो वस्सलाम से एक मामूली नामुनासिब बात सादिर हुई थी, मामूली, लेकिन बड़ों का मकाम भी बड़ा होता है, उनकी मामूली कोताही भी अल्लाह ताला उस पर पकड़ करते। हदीस शरीफ में है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में वो बादशाह थे, उनके दरबार में ये तज़किरा, उनकी मजलिस में ये तज़किरा चला कि कौन कितनी अल्लाह की इबादतें करता है। ये तज़किरा चला कि अल्लाह की इबादत कौन कितनी करता है। ये बात भी वफी ذلك فليتنافس المتنافسون में आती। मसलन आजकल रमजान शरीफ सीजन चल रहा है, जैसे दुनिया में कोई पेंट मेला चलता है तो सुबह से शाम तक कारोबार करके रात को जब कोई दुकानदार घर आते हैं तो दूसरे से बातें करते हैं, चलिए आज कितनी बिक्री हुई, वो कहते मेरी इतनी, अच्छा मेरी तो इतनी हुई, वो तीसरा कहे मेरे इतनी हुई। जैसे पेंटों में सीजन पर इस तरह की दुकानदारी में लोग रात को लौट कर बातें करते हैं, ऐसे रमजान शरीफ सीजन है, सीजन है अगर तो लोग बैठ करके भी आज तूने कितने पारे तिलावत की, तो मैंने 15 पारे किए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20 पारे किए। ये वो तनाफुस है जिसका हुक्म है, वो फी ज़ालिक फलियतनाफस अल्मुतनाफिसून। मुझे अपने तालिबे इल्मी का के जमाने का एक किस्सा याद आया। हम जब तालिबे इल्म थे आज से 40 साल पहले, तो बकरीद की छुट्टियों में घर जाने का कोई रिवाज नहीं था, रमजान के बाद पढ़ने चले जाते थे तो अगले रमजान पर लौट कर आते थे, दरमियान साल में घर आने का कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो जिस साल दोहरा हदीस शरीफ की किताबें पढ़ी, दोहरे हदीस पढ़ा, हम 3 साथी थे,
बकरीद की छुट्टी आई, 9 दिन की छुट्टियां होती हैं। हमने आपस में थे बैठे मशवरा करने के, भाई ये 9 दिन क्या काम करेंगे। तो सबकी राय ये हुई कि हदीस शरीफ पढ़ने के लिए सीरत नबवी का मुताला जरूरी है। सीरत नबवी का मुताला किए बगैर हदीस शरीफ समझ नहीं सकता। ठीक है, लिहाजा इन 9 दिनों में सीरत नबी का मुताला करेंगे, कोई भी किताब हुजूर के हालात में। फिर ये मसला हुआ कि कौन सी किताब, तो शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिलकर एक किताब लिखी है, उनका नाम ही सीरत नबी है और मोटी मोटी 6 जिल्दें, 9 दिन है, 6 जिल्दों की किताब है। तय हुआ भाई इसको इस छुट्टियों में देखनी है, और ये तय हुआ कि जो पहले खत्म करेगा वो अपने साथियों को मिठाई खिलाए। ऐसी शर्त भी कोई है नहीं, वो जो शर्तें नाजायज है वो ये नहीं, जो पहले खत्म करेगा वो खिलाएगा मिठाई, क्यों, उसने कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, फिर वरद गर्दानी कर दी नहीं, जब एक आदमी कहे मैंने खत्म की तो दूसरे दो साथी उसका इम्तिहान लेंगे, मुख्तलिफ जगहों से पूछेंगे ये मजमून क्या आया। जाहिर है कि हिफ्ज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इजमाली तौर पर जो मजमून पढ़ा हो तो इजमाली तौर पर तो बताएगा कि ये मजमून ये आया है, तो दो दूसरे दो इम्तिहान लेंगे, एकदम अरक पलट करके चला गया ऐसा नहीं चलेगा। चुनांचे हम लग गए, सब तीनों साथी लग गए, जब छुट्टी आई तो 9 दिन में से 7 दिन में मैंने वो 6 जिल्दें खत्म कर ली। मेरे साथियों ने, किसी की अभी 1 जिल्द बाकी थी, किसी की 1.5 जिल्द बाकी थी, मैंने कहा भी मैंने किताब पूरी कर ली, बस दोनों पहलवान आकर बैठ गए किताबें लेकर इम्तिहान लेने। कोई यहां से सवाल कर रहा, कोई वहां से सवाल कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वाकई पढ़ी थी तो कामयाब हुआ। जब कामयाब हुआ उनका लाओ मिठाई चलो, तो 1 किलो जलेबी मंगवा कर खिलाई। उस जमाने में जलेबी तक ही हमारी पहुंचती। तो ये तनाफुस है, और ये तनाफुस शरीयत में मतलूब है। एक इबादतों का सिलसिला है दिखलावा, मैंने इतना दिखलावा लिया सुमा जायज नहीं, और एक दीनी कामों में आगे बढ़ने के जज्बे से रेस, तनाफुस माने रेस, ये न सिर्फ जायज है, कुरान में उसका हुक्म है, वफी ज़ालिका फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, जन्नत हासिल कर, जन्नत वाले कामों में जिसे रेस करनी है आगे आओ, जन्नत वाले कामों में रेस करो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मजलिस में गुफ्तगु आई कि कौन कितनी इबादत करता है, तो हर एक ने जो जो इबादत करता था वो बयान की। हजरत ने उस मजलिस में बयान किया कि मैंने अपने घर का निजाम ऐसा बना रखा है कि 24 घंटे इबादत के कमरे में मुसल्ले पर कोई न कोई खड़ा नमाज पढ़ रहा है। देखो इबादत के कमरे में उसे भी समझो, बहुत छोटा घर हो वो तो मजबूरी, लेकिन अगर अच्छा खासा घर है तो उसमें एक कमरा इबादत के लिए मखसूस होना चाहिए। जो कोई मुसल्ले उसे बिछाने की जरूरत नहीं, जो कुछ उसमें कालीन वालीन बिछा है वो पाक है, जो भी नमाज पढ़ना, घर का कोई भी फर्द नमाज पढ़ना चाहेगा वो कमरे में आकर के नमाज पढ़ेगा, और उस कमरे में बच्चे नहीं आएंगे, लिहाजा उस कमरे में जो कुछ बिछा हुआ है या नहीं बिछा हुआ है उसके नापाक होने का सवाल ही नहीं, बच्चा वहां नहीं आएगा, बच्चे सारे घर में घूमेंगे, ये इबादत का एक कमरा है, ऐसा होना चाहिए। लोग आम तौर पर गफलत करते हैं, लोग आम तौर पर गफलत करते हैं और ऐसा कमरा नहीं बनाते, हालांकि अल्लाह के फजल से उनके घर अच्छे खासे बड़े होते हैं
और ऐसा एक कमरा इबादत के लिए अगर कोई मखसूस कर दें तो उसको कोई घर वालों को रहने में कोई परेशानी नहीं, मगर ऐसा लोग नहीं करते हैं, ये गफलत। और यही जो इबादत का कमरा है इसी को अरबी में मेहराब कहते हैं। वो जो हजरत जकरिया और हजरत मरियम के वाकये में, फिर जब हजरत जकरिया ने दुआ की बेटे की तो हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपने इबादत के कमरे में इबादत में मशगूल थे और फरिश्ता वही लेकर आया कि अल्लाह आपको बेटे की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहया होगा। वो वकायमुन फिल मेहराब, वो मेहराब में खड़े थे। मेहराब के माने हैं लड़ने की जगह, मेहराब के माने हैं फाइटिंग, लड़ने की जगह। इबादत के कमरे को मेहराब क्यों कहते हैं? वहां आदमी नफ्स से लड़ता है, शैतान से लड़ता है, जब ही तो इबादत करता है। बहरहाल ये जो हमारी मस्जिद की मेहराबें हैं ये बहुत इस्लाम में लंबे जमाने तक ये मेहराबें नहीं थी, मस्जिद नबी में भी मेहराब नहीं थी। और कुरान में जो मेहराब आया वो मेहराब इबादत का कमरा है, और ऐसा इबादत का कमरा हर शख्स को अगर उसके घर में गुंजाइश है तो एक कमरा खास, उसमें जिसको भी नमाज पढ़नी है, मर्द को या औरत को घर के नमाज पढ़नी है, उस कमरे में जाओ, कमरा खोल जाएगा। जैसे इस मस्जिद में आते हैं कोई भी निशाना नहीं, आते नमाज पढ़ना शुरू करते हैं, नमाज पढ़ो। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने घर का ऐसा अरेंजमेंट किया है कि रात दिन के किसी लम्हे में 24 घंटे मेरे घर में मुसल्ले पर कोई न कोई खड़ा नमाज पढ़ रहा है। फौरन वही आई कि दाऊद ये हमारी तौफीक से, अगर हमारी तौफीक हट जाए तो तुम अपने घर का ये निजाम नहीं रख सकते। इसके जवाब में हजरत को क्या कहना चाहिए? परवरदिगार बेशक आपकी तौफीक ही से ये, मगर हजरत ने ये कहने के बजाय ये कहा फरिश्ते से कि बारगाह खुदावंदी में मेरी ये अर्ज है कि जिस दिन मेरे घर का ये निजाम फेल हो जाए तो मुझे इत्तला दी जाए कि किसने गड़बड़ की। आखिर खुद हजरत पैगंबर है, खुद हजरत उस निजाम को फेल करे तो मुमकिन नहीं। बाकी जो घर के अफराद हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, बीवियां भी हजरत की बहुत थी, बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो अपनी ड्यूटी में गड़बड़ करें और नमाज पढ़ने का वक्त है और बैठे बैठे या सजदे में या वैसे लेटकर सो जाए तो गड़बड़ कर सकते। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से अर्ज किया कि बारगाह खुदावंदी में ये अर्ज है कि जिस दिन मेरे घर का ये निजाम फेल हो जाए उस दिन मुझे इत्तला कर दी जाए कि किसने गड़बड़ की। ठीक है, उसी रात ऐसे वक्त में ये सब घर वाले सोए पड़े थे और हजरत की ड्यूटी थी नमाज पढ़ने की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ड्यूटी थी नमाज पढ़ने की, और अचानक दो शख्स दीवार के ऊपर से फांद कर आ गए। जब हजरत ने सलाम फेरा तो आए और आकर हजरत से आते ही उन्होंने कहा हमारे दरमियान में झगड़ा है, दो भाई हैं हम, दो भाई हैं और हमारे दरमियान में झगड़ा है, हम आपके पास फैसला कराने आए। तो पहले तो उनका इस तरह से दीवार फांद करके आना यही काबिल तवज्जो होना चाहिए, कभी दरवाजे से क्यों नहीं आए, ऊपर से क्यों आए? मगर उन्होंने इस पर मौका ही नहीं दिया।
हजरत दाऊद अली साहब बादशाह थे उस जमाने में, बादशाह खुद फैसले करते थे, कोर्ट चलाया करते थे। तो हजरत ने उनसे कहा, सुनाओ भी क्या वहां झगड़ा है तुम्हारा। ऐसा बोगस झगड़ा उन्होंने पेश किया। उसने कहा, एक बोला, ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी। ये मुझसे कहता है कि ये एक डॉलर तेरे जेब में क्या काम आएगा, मुझे दे दे, मेरे 100 डॉलर पूरे हो जाए, एक नोट बन जाए। अब भला ये कोई झगड़ा है? और इतना ऐसा झगड़ा है कि उसका फैसला करवाने के लिए अमीरुल मोमिनीन बादशाह तक झगड़ा लेकर जाना पड़ेगा। जब बादशाह फैसला करेगा, कोई ऐसा मसला है? तो हजरत ने फैसला क्या सुनाते, नसीहत की, फैसला तो कुछ है ही नहीं। हजरत ने नसीहत की, लकल जलम कभी सुआल नाजत गैला न्याजी। हजरत ने फरमाया, ये तेरा भाई जो तेरी दुम्बी मांगता है, ये तुझ पर तेरे साथ ना इंसाफी करता है। रिवायत में है, कुरान में नहीं, रिवायत में है कि फिर वो दो शख्स से ये कहकर गायब, कबर रजुल अला नफ्सी, आदमी ने अपनी जात के खिलाफ फैसला किया, वो दोनों गायब हो गए। अब हजरत भुचकते से खड़े रह गए कि क्या कहकर गए। वो दो फरिश्ते आए थे, अल्लाह के भेजे हुए थे। तो हजरत सोचने लगे कि क्या कहकर गए। ओहो, हजरत को याद आया कि आधा घंटा मेरा बर्बाद कर दिया और आज घर में मुसल्ले पर मैं ही खड़ा हूं, दूसरे सब तो सो रहे हैं। बस वही हजरत को एहसास हुआ, दीन का वो वाकया याद आया। वो तो अल्लाह से दरखास्त की थी कि जब घर का निजाम फेल हो जाए तो मुझे बताया जाए, बगैर बताए पता चल गया। तो खर्रा के अमाना वो अल्लाह गिर पड़े अल्लाह के सामने और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुए। फगफर नालहू जालिक, हमने उनकी ये कोताही माफ कर दी और अल्लाह ताला ने अपने बरगुजीदा बंदों में शामिल कर लिया। ये उनकी तरबियत थी। अल्लाह ताला बड़े बंदों को इस तरह की मामूली फरोगुजाश्तों पर मुतवज्जे करके उनकी तरबियत करते हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वहां सजदा किया और उसके नतीजे में उनकी खता माफ हुई। बस हम जब वहां से गुजरे, उन आयतों पर से गुजरे, तो हमें सजदा करना है या नहीं। हनफिया कहते हैं वहां सजदा करना है। हजरत इमाम शाफई अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वहां सजदा नहीं करना। दाऊद अलैहिस्सलाम से लफ्जिश हुई थी, भूल हुई थी, हजरत ने सजदा किया। हमसे कौन सी लफ्जिश हुई, भूल हुई जो हम सजदा करें? और अल्लाह ने हमें सजदा करने का कोई हुक्म आर्डर नहीं दिया, लिहाजा वहां सजदा नहीं। हनफिया कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से और सहाबा से वहां सजदा करना साबित है। हदीस ये है, एक सहाबी, हदीस तिर्मिजी शरीफ में, एक सहाबी ख्वाब देख रहे हैं कि वो ख्वाब में तहज्जुद पढ़ रहे हैं और तहज्जुद पढ़ रहे हैं कहीं जंगल में, सामने दरख्त है और उस दरख्त को उन सहाबी ने सुतरा आड़ बना रखी है और आड़ बना करके नमाज पढ़ते हैं। ये वो कहीं भी खुली जगह में आदमी नमाज पढ़े तो पहले आड़ बनाओ, आड़ बनाकर ही पढ़नी चाहिए, चाहे वहां कोई ना हो, आड़ बनाओ किसी चीज की फिर नमाज पढ़ो, हो सकता है कि नमाज के दौरान कोई भी वहां से गुजर जाए। तो वो सहाबी दरख्त की आड़ बनाकर, सुतरा बनाकर नमाज पढ़ रहे हैं। सूरह स्वाद पढ़ते पढ़ते जब इस आयत पर, इस मौके पर पहुंचे तो उन सहाबी ने सजदा किया, तो उनके सजदा करने पर दरख्त ने भी सजदा किया। ये ख्वाब है,
درخت نے بھی سجدہ کیا اور ان صحابی نے تو وہی تسبیح پڑھی ہوگی سبحان ربی العلیٰ. اس درخت نے سجدے میں ایک لمبی تسبیح پڑھی, اس نے آنکھ کھل گئی. صبح وہ ان صحابی نے یہ خواب حضور کو سنایا. اس کی کوئی تعبیر نہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں. ایک آدمی خواب دیکھتا ہے کہ وہ رات میں گھر سے اٹھا, گیراج میں گیا, گاڑی لی, مسجد دار السلام میں پہنچا, تہجد پڑھی یا ظہر کی نماز پڑھی یا عصر کی نماز پڑھی اور آنکھ کھل گئی. کہ کیا تعبیر, کیا تعبیر, یہی تعبیر. ایک شخص خواب دیکھا کہ وہ اٹھا اور وضو کیا اور قرآن شریف لے کر پڑھنے بیٹھا اور فارا تلاوت کی اور اس کے بعد تکے بسر رکھ کے سو گیا. کہ کیا اس کی خواب, اس کی تعبیر, یہی تعبیر ہے, پڑھو قرآن. تو ان صحابی نے یہ خواب حضور کو سنایا تو حضور نے اس کی کوئی تعبیر نہیں دی. بس اچھا ہے, مبشرات کہتے ہیں اس کو, خوشخبری سنانے والا خواب, یعنی یہ خواب خواب دیکھنے والے کے لیے اچھا خواب. اس کے دینی جذبے پر دلالت کرتا ہے, نماز کی فکر پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نیند میں بھی مسجد میں پہنچ کر ذوق پڑھ کر آیا ہے, نیند میں بھی تلاوت کر رہا ہے. یہ اس خواب دیکھنے والے کے دینی جذبے کی پر دلالت کرتا ہے, اس کی ترجمانی کرتا ہے. اس کا اور بھائی یہی تعبیر ہے, اور کوئی تعبیر نہیں. حدیث کے راوی حضرت ابن عباس ہیں, وہ کہتے ہیں حضور نے خواب سن لیا اور وہ درخت نے جو تسبیح پڑھی تھی اور ان صحابی نے حضور کو وہ تسبیح بتائی تھی, وہ حضور نے سن لی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر کسی موقع پر حضور نے یہ آیتیں پڑھی تو حضور نے سجدہ کیا اور وہ درخت نے جو تسبیح پڑھی تھی وہ تسبیح حضور نے سجدے میں پڑھی. یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. معلوم ہے صحابہ سے بھی سجدہ کرنا ثابت ہے, حضور سے بھی ثابت ہے. اور سنو, خواب میں وہی تصورات ہوتے ہیں جو بیداری میں ہوتے ہیں. خواب میں بلی کے چھچڑے, وہ جو محاورہ ہے وہ یہی ہے, بیداری میں بلی چوہے مارتی رہتی ہے تو خواب میں بھی چوہے مارتی ہے. بیداری میں بلی چھچڑے کھاتی رہتی ہے, بکری ذبح ہوئی, مرغی ذبح ہوئی, تو خواب میں بھی وہی چھچڑے آتے ہیں. اس لیے کہ بیداری کے جو تصورات ہیں وہی خواب میں تصور بنتے ہیں. بس یہ صحابی جو نیند میں خواب میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان آیتوں پر سجدہ کر رہے ہیں, یہ دلیل ہے کہ صحابہ کے تصورات میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ یہاں سجدہ ہے. خیر, دوسرا مسئلہ, حضور سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہاں سجدہ کیوں ہے, تو حضور نے فرمایا کہ حضرت داؤد نے توبہ کے طور پر یہاں سجدہ کیا تھا, ہم ان کا فالو کرتے ہیں. نبیوں کا فالو کرنا ہر اچھے کام میں, اور نبیوں کا ہر کام اچھا ہی ہوتا ہے, نبیوں کا کوئی کام برا نہیں ہوتا ہے. نبیوں کا فالو کرنا ہر اچھے کام میں مطلوب ہے. قرآن کریم میں ہے اولئک الذین ہداہم اللہ فبہداہم اقتدی. اوپر انبیاء کا تذکرہ آیا ہے, انبیاء کے تذکرے کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ نے اپنے دین کی راہ دکھائی ہے, پر تمہیں چاہیے کہ تم ان انبیاء کا فالو کرو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا سے اللہ نے پار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا, اور بنی اسرائیل بھی وہ روزہ رکھتے رہے. ہماری شریعت میں بھی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ہے. وہ تو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ساتھ معاملہ تھا. حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ,
हमारा ताल्लुक हजरत मूसा से ज्यादा है। ये जो यहूद बेबहबूद हैं, इनका जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक है तो नाम का ताल्लुक है, बनावटी बोगस ताल्लुक है, और नबियों का नबियों के साथ ताल्लुक रियल होता है। तो हुजूर ने फरमाया कि हम अनहनु अहक्कु बिमूसा, हम मूसा अलैहिस्सलाम का फॉलो करने के, उनकी सुन्नत पर अमल करने के हम ज्यादा हकदार हैं। इसी तरीके पर दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस जगह सजदा किया तो हम उनकी फॉलो करने के ज्यादा हकदार हैं। बहरहाल एक इमाम ये कहते हैं कि यहां सजदा वाजिब नहीं है, इमाम अबू हनीफा ये कहते हैं कि यहां सजदा वाजिब है। ऐसी ही कुरान करीम में एक जगह और आई, वहां उल्टा इख्तिलाफ। हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा कहते हैं वहां सजदा वाजिब है, इमाम अबू हनीफा कहते हैं वहां सजदा नहीं। वो सूरतुल हज के आखिरी रुकू में है और वो गुजर चुकी कल। वो आयत पाक है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो, सजदा करो, खैर के काम करो ताकि तुम कामयाब हो। ये उस आयत का तर्जमा है। हजरत इमाम शाफई अलैहि रहमा फरमाते हैं कि यहां अल्लाह ने हुक्म दिया सजदा करो, लिहाजा इस आयत के पढ़कर सजदा जरूरी है। दूसरे अइम्मा और इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सजदे का हुक्म तो कुरान में जगह जगह आया है, दसियों बीसियों जगह आया है, मगर जो सजदा रुकू के साथ होता है वो सजदा नमाज वाला सजदा होता है, तिलावत का सजदा नहीं होता। जैसे कुरान में है, वही बकौलतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहस्तफाकी वता नहीं, या मरियम कुनुती लिरब्बी की, या मरियम कुनुती लिरब्बी की वस्जुदी वरकई मअर्राकईन। फरिश्तों ने हजरत मरियम से ये कहा, अपने परवरदिगार के आहकाम का फॉलो कर, उकनुती लिरब्बी की, और सजदा कर, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर, यानी जमात से नमाज पढ़। क्यों? हजरत लंबा किस्सा है, हजरत मरियम जब पैदा हुई तो उससे पहले उनकी मां ने ये मन्नत मानी थी कि मेरे जो बच्चा पैदा होगा मैं उसे बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए दे दूंगी। उस जमाने में ऐसी मन्नत मानने का रिवाज था और ऐसी मन्नत मानते थे बेटों के बारे में, जो बेटा पैदा होता है और मन्नत मान रखी है, ये बेटा जिस मस्जिद की खिदमत के लिए मन्नत मानी है उस मस्जिद को बच्चा सौंप दिया जाता, वही पालते पोसते बड़ा करते हैं, बड़ा करके वो जिंदगी भर उसी मस्जिद की खिदमत करता। ये उस जमाने में तरीका था। तो हजरत मरियम की वालिदा ने जब वो हमल से थी तो उनके दिमाग में यह रहा कि मेरे पेट में लड़का पैदा होगा, तो उन्होंने मन्नत मान ली कि बैतुल मक़दिस, ये जो बैतुल मक़दिस है इसकी खिदमत के लिए उन्होंने मन्नत मान ली। मैं पैदा हुआ तो वो लड़की पैदा हुई, हजरत मरियम पैदा हुई। अब बड़ा मसला खड़ा हो, क्योंकि लड़कियां किसी इबादतगाह की परवरिश के खिदमत के लिए पेश करने का मामूल नहीं था। अब ये मन्नत हुई या नहीं हुई? तो खुद हजरत ज़करिया पैगंबर है और ये साली की लड़की है। हजरत ज़करिया की बीवी और हजरत मरियम की वालदा दोनों बहनें हैं, साली की लड़की है, वह घर का प्रॉब्लम है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वही के जरिए से अल्लाह ने बतलाया कि ये लड़की जिसकी मन्नत मानी गई है इसे कबूल कर लिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। चुनांचे
वो लड़की कबूल कर लेगी। अभी लड़की अभी पैदा हुई, इसकी परवरिश कौन करे? तो कायदे से परवरिश खालू करेगा। उनके घर में मासी है, माँ सी यानी माँ जैसी। तो जब माँ ने दे दिया तो जो माँ जैसी है मासी है वो परवरिश करेगी। मगर हरि जब अल्लाह की तरफ से आज तक के उसूल के खिलाफ लड़की को कबूल किया अल्लाह ने, तो मालूम हुआ इस लड़की का कोई बड़ी बाकमाल लड़की होगी। तो हर शख्स जो बैतुल मक़दिस का जिम्मेदार था, वो बड़ा ओहदेदार था, हर एक चाहता था मैं परवरिश करूं लड़की। अल्लाह की तरफ से टेस्ट बताया गया, रिवर पर जाओ, अपनी वो कलम है जो तुम लिखते हो, उस जमाने में फाउंटेन पेन तो थे ही नहीं, होल्डर थे, लेकर का अपने होल्डर लेकर जाओ और बहती नदी में डालो। जाहिर है कि वो होल्डर बहाव के साथ जाएंगे। अगर कोई होल्डर चढ़ाव पर जाए वो कामयाब, वो लड़की को पाले, अजीब वो गरीब बहाव के साथ तो कलम जाते ही हैं, चढ़ाव पर कैसे जाएगा? जाएगा, मौजज़ा इसी का तो नाम है, और बगैर मौजज़े की भी जाते हैं। एक शख्स की वाइफ थी, उसे जो काम करो कहो उल्टा करती। उसे कहो कि आज मेहमान है जरा खाना अच्छा बनाना, तो दाल रोटी बना दे। और अगर उससे कहें कि आज कोई बात नहीं है घर के लोग हैं तो कोरमा पका ले। उसे कहे लेट जा तो भाग जाए, उसे कहे जा यहां से तो बैठ जाए। हर काम उल्टा ही करती थी। खैर एक मरतबा मियां बीवी मैके चले, बारिश का जमाना था, जोर की बारिश हुई और नदी में पानी बड़ा जोर का आया। अब उस पानी में उतरना है तो उसने बीवी से हाथ पकड़ा और ये वो समझता था जो कहूंगा उसको उल्टा करेगी, तो उसका हाथ पकड़ा और दोनों पानी में उतरे और बार बार कहता था मेरा हाथ छोड़ दे तो और मजबूत पकड़ती थी। फिर वो कहते मेरा हाथ छोड़ दे तो और मजबूत पकड़ती। लेकिन जब मंझधार में गए और पानी यहां तक आया तो बेखबरी में निकल दिया, अरे हाथ छोड़िए मत, उसने छोड़ दिया। बेखबरी में निकल गया कि हाथ छोड़िए मत, उसने छोड़ दिया, गई। अब ये उधर निकला, अब वो बीवी के तलाश करने के लिए पानी के चढ़ाव पर जा रहा। बहुत दूर तक गया, कोई रास्ते में मिला, भाई कहां जा रहा है? उसने कहा मेरी बीवी पानी में बह गई है, उसको तलाश कर रहा हूं। उसने कहा पागल, तेरी बीवी पानी में बह गई तो बहाव पर मिलेगी चढ़ाव पर मिलेगी? कहने उल्टी थी, उल्टी गई होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक। तो ये इम्तिहान हुआ कि जिसका कलम चढ़ाव पर चले वो कामयाब। सबने कलम डाले, सबके कलम बहाव पर बह गए। हजरत ज़करिया अलैहिस सलाम का कलम उल्टा जा रहा, ऊपर जा रहा, चढ़ाव पर जा रहा है। सबने मान लिया और ये बेटी खाला को दे दी गई, खालू के घर में परवरिश पाएगी। खालू हजरत ज़करिया अलैहिस सलाम बैतुल मक़दिस के मुजाविर हैं, बैतुल मक़दिस के निगरान हैं, खादिम हैं, वहीं रहते हैं, उनका घर भी वहीं है। लिहाजा जो मस्जिद में है वो मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ेगा, जो मस्जिद में है वो मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ेगा। जैसे औरतें घरों में नमाज पढ़ेंगे मस्जिद में नहीं आएंगी, मगर अगर किसी वजह से आ गई, नमाज पढ़ने के लिए आ गई या किसी और वजह से आ गई, तो अब वो उनका जो कमरा है उसमें वो अलग नमाज पढ़ेंगी। क्यों भी अलग क्यों पढ़ेंगी? जब मस्जिद में आ गई है तो जमात से पढ़ेंगी। तो फरिश्तों ने यह कहा हजरत मरियम से कि अपने परवरदिगार के अहकाम का फॉलो करो, उकनुती ले रब्बी के,
और सजदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अब सजदा और रुकू चूंकि दोनों बातें साथ में हैं, लिहाजा यहां सजदे तिलावत नहीं किया जाता, ये नमाज का रुकू सजदा है। तो वो जो आयत है सूरे हज में आखिरी रुकू में, उसमें अल्लाह ने ये फरमाया है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और नेक काम करो ताकि तुम कामयाब हो। पर जब रुकू और सजदा दोनों बातों का तज़किरा साथ में है, ये नमाज वाला रुकू सजदा है, ये तिलावत का सजदा नहीं है। ये जुम्हूर की राय है। और हजरत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा कहते हैं नहीं, यहां सजदा है। वो एक हदीस शरीफ पेश करते हैं कि देखो हुजूर ने फरमाया है, एक सहाबी ने हजरत उकबा इब्न आमिर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सूरे हज में सुरखाब का पर लग रहा है, उसमें दो सजदे, पूरे कुरान में किसी सूरत में दो सजदे नहीं है, सूरे हज में दो सजदे हैं, ये उसमें सुरखाब का पर लग रहा है। हुजूर ने फरमाया सही कहते हो, और जो शख्स वो दो सजदे न करे वो उस सूरत को न पढ़े। यह हदीस है और तिर्मिज़ी शरीफ में। मगर उसकी सनद में एक रावी है अब्दुल्लाह इब्न मनीन, ये रावी ज़ईफ है और ज़ईफ रिवायत से वुजूब साबित नहीं हो सकता। आला दर्जे की सही रिवायत हो तो फर्जियत साबित होगी अइमा सलासा के नजदीक और हनफिया के नजदीक वुजूब साबित होगा, ज़ईफ रिवायत से वुजूब साबित नहीं हो सकता। इसलिए हनफिया ये कहते हैं कि जगह सजदा वाजिब नहीं है। और हजरत थानवी कुद्दसा सिर्रुहु ने ये लिखा है कि नमाज में तो यहां सजदा नहीं करना चाहिए, लेकिन खारिज नमाज जब इस आयत को पढ़े तो सजदा करे, क्योंकि हदीस है और उस वो हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ हदीस से इस्तेहबाब साबित हो सकता है, वुजूब साबित नहीं हो सकता। लिहाजा इस जगह सजदा वाजिब तो नहीं है, ना नमाज में वाजिब है ना नमाज से बाहर वाजिब है, लेकिन नमाज से बाहर इस जगह पर सजदा करना मुस्तहब है और नमाज में सजदा इस जगह पर नहीं करेंगे। और हजरत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि नहीं, सजदा करना जरूरी। तो यहां भी ऐसा इख्तिलाफ हुआ। खैर, बात कहीं से कहीं फैल गई। मैं तो असल ये कह रहा था, सवाल ये है कि इन आयतों पर सजदा क्यों किया जाता है। जवाब ये है कि बुद्धू को क्या समझाएं, जवाब ये है कि बुद्धू को कैसे समझा दें, जो अरबी जानता ही नहीं कुरान समझता ही नहीं उसको कैसे समझा दें कि इन आयतों में सजदा क्यों किया जाता है। अगर तू अरबी जानता होता और कुरान समझता होता तो तू खुद ही जब ये आयतें पढ़ता तो तेरी समझ में खुद ही आ जाता कि सजदा क्यों किया जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर कोई शख्स समझना चाहे तो इन आयतों में तीन तरह के मज़ामीन हैं। एक बात तो वो आयतें जिसमें हुक्म है, कुरान पढ़ने वाले को हुक्म है कि सजदा कर, और बाज वो आयते हैं जिसमें अल्लाह के नेक बंदों का तज़किरा है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं, तो हमें भी वहां सजदा करके अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होना चाहिए। और तीसरा मजमून ऐसा है जिसमें किसी नेक बंदे का किसी कोताही पर सजदा करने का तज़किरा है, वहां उसका फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसमें इख्तिलाफ हुआ है। घर में अक्सर कोई कागज या कोई डिब्बी आती है कि जिस पर काबा शरीफ या मदीनतुल मुनव्वरा की तस्वीर होती है या कोई आयत कुरानी होती है, उसको क्या किया जाए? उसको एहतराम के साथ जाय कर दो, उसको एहतराम के साथ जाय कर दो।
जाये करने की वो सी है, एहतराम के साथ जाये करो। दफन कर दी, ऐसी चीज दफन कर दी, ये भी एहतराम के साथ जाये कर दी। ऐसी चीज जला दी तो एहतराम के साथ जाये कर दी। ऐसी चीज पुराने जमाने में कच्ची स्याही से लिखते से ऐसी चीज धुल सकती है, वो तहरीर धो डाली, ये भी एहतराम के साथ जाये कर दी। कुरान करीम की कोई मजमून है, आर्टिकल है, कोई किताब है, उसमें कुरान की आयतें हैं तो उसको जलाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन सिर्फ कुरान या कुरान की आयतों को जलाना नहीं चाहिए, उनको जलाना ये एहतराम के खिलाफ है। गार्बेज भी नहीं कर सकते। बराए करम इस बारे में हिदायत दीजिए, दे दी हिदायत कि उसे एहतराम के साथ जाये करो। एक मसला समझो, काबा शरीफ और रोजे अकदस के फोटो दो तरह के हैं, एक रियल एक वैसे बोगस। रियल यानी वहां वहीं से कैमरे ने खींचे हैं, और एक बोगस का मतलब किसी भी पेंटर ने बुरश लेकर के काबा बना दिए, चाहे रियल हो चाहे वैसे ही हो, डमी हो, ये डमी होती है, चाहे डमी हो चाहे रियल हो, तौहीन नहीं करनी चाहिए, मगर उसके साथ ताजीम का मामला भी नहीं करना चाहिए। तो वो काबा शरीफ जो मक्के में खड़ा है वो काबिल एहतराम है, हम वहां जाते हैं तो उसको हजर अस्वद को बोसा देते हैं, उसका तवाफ करते हैं, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अगर उस काबा का फोटो बना लिया जाए या डमी बना ली जाए तो उसके साथ ये मामला करना जायज नहीं कि तबर्रुकन उसे हाथ लगाओ, तबर्रुकन उसे चूमो, ये मामला उसके साथ करना जायज नहीं है। शबाह और जी शबाह के अहकाम मुख्तलिफ होते हैं। आप आईने के सामने खड़े हैं, आप हैं और अंदर आपका अक्स है, वो अक्स और आप दोनों के अहकाम मुख्तलिफ हैं, दो एक नहीं है। कैसे अलग हैं? हैं अलग, बहुत गौर करोगे तो समझ में आएगा दोनों अलग है। एक औरत है, उसका शौहर ये आईने के सामने खड़ा वो है या आईने के अंदर दिख रहा है वो है? कौन शौहर है औरत का? बाप कौन है? मां कौन है? जो इधर खड़ी है वो है या अंदर नजर आ रही वो है? ये ऐसी मिसालों में गौर करोगे तो समझ में आएगा दोनों में फर्क है। और अब तो उसका समझना बहुत आसान हो गया। पहले तो आप आईने के सामने से हट जाए तो अंदर से भी हट गए, लेकिन अब ऐसा जरूरी नहीं। आप आईने के सामने से हट जाए और आपका फोटो अंदर बरकरार हो जाए। कैमरे के सामने जो आप खड़े होते हैं या मोबाइल में जो कैमरा होता है उसके सामने खड़े होते हैं तो आपका अक्स ही तो उसके अंदर आता है। आप तो बाहर हैं, आपका अक्स उसके अंदर आया, अब आपने कैप्चर का बटन दबा दिया, अब आप जाइए, आप अंदर आ गए। अब तो इस मसले को समझना बहुत आसान हो गया। ये दो चीजें अलग अलग हैं, आप खड़े हैं आप अलग हैं और आपके अंदर जो शबा नजर आ रही है वो अलग है, और दोनों के अहकाम मुख्तलिफ हैं। अब वो अहकाम क्या है वो लंबा मजमून है। मुझे तो ये समझाना है कि काबा शरीफ जो वहां रियल मक्का में खड़ा है उसके अहकाम और उसके फोटो के अहकाम अलग है। मदीना शरीफ गुम्बदे खजरा कब्रे अतहर जो वहां है उसके अहकाम अलग हैं, और उसका आप फोटो लें तो उसके फोटो के अहकाम अलग है। ये वो मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चप्पलें कैसी थी? नक्शे नाल मुबारक,
हुजूर की चप्पलों का नक्शा किताबों में छपता है, उस नक्शे को लोग सर पे रखते हैं, अदबन खड़े होते हैं, उसके तवस्सुल से दुआ करते हैं, ये सही नहीं है। उसको मैं समझा रहा हूं। देखो, हुजूर की चप्पल का अगर इतना टुकड़ा भी मिल जाए हुजूर की असली चप्पलों का, तो वो हमारे लिए दुनिया से पूरी दुनिया से बेहतर है। लेकिन हुजूर की चप्पलों का बुरश लेकर के एक फोटो बना दिया, अल्लाह जाने हुजूर की चप्पलें कैसी थी, तो सब बकवास है। मैंने सारी हदीसें चप्पलों की पढ़ी हैं, क्या उन हदीसों से बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हुजूर की चप्पलों की शक्ल क्या थी? बस ये है कि हुजूर की चप्पलों में दो चश्मे थे, लहू कपालान, हुजूर की चप्पलों में दो चश्मे थे, बस इतना ही। दो चश्मे थे, कहां से शुरू होते थे, कहां घुसते थे, किन किन उंगलियों को डिवाइड करते थे, कोई तफसील हदीसों में नहीं। लोगों ने एक फर्जी शक्ल नाल मुबारक की बना दी और फिर उसे तबर्रुक शुरू कर दिया, ये सब गलत है। हुजूर की असली चप्पल का एक जरा सा रेशा भी मिल जाए तो पूरी दुनिया से हमारे लिए ज्यादा सआदत की बात है। लेकिन जो हमने अपने ब्रश से, पेंटर ने अपने ब्रश से एक फर्जी शक्ल बना दी कि हुजूर की चप्पलें ऐसी थी, उनमें बरकतें कहां से आ गई? उनको सर पे रखकर खड़ा होना, उनको वसीले से दुआ मांगना, ये सही नहीं। और ये सिर्फ चप्पल मुबारक के लिए, वो जो नाल मुबारक का नक्शा है उसी के लिए मसला खास नहीं है। काबा शरीफ का नक्शा, उसके साथ वो एहतराम का मामला नहीं। रोजे अकदस का नक्शा, उसके साथ वो असली हो तो भी नहीं। क्यों? शबा और जी शबा के अहकाम अलग होते हैं। लेकिन सुनो, चाहे वो असली काबा का फोटो हो, चाहे बनावटी हो, उसके साथ तौहीन का मामला करना भी जायज नहीं। क्यों? अगर आप उसके साथ तौहीन का मामला करेंगे, शबा के साथ, फोटो के साथ तौहीन का मामला करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता असल की तौहीन आएगी दिमाग में। देखो आजकल कि जब किसी पब्लिक नाराज होती है किसी लीडर से, तो उसका पुतला जलाती है। तो पुतला जलाने से क्या होता है? होता है, ये भी तो सारी दुनिया कोई बेवकूफ थोड़ी है। वो उस लीडर की लोगों के जहनों में उससे अकीदत खत्म करने के लिए पुतला जलाती है और उससे वो अकीदत घटती है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अगर आप काबा के फोटो के साथ या चप्पल मुबारक के फोटो के साथ या रोजे अकदस के फोटो के साथ, चाहे वो हकीकी हो चाहे बोगस हो, तौहीन का मामला नहीं करेंगे। तौहीन का मामला करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता दिल में से अजमत कम होती चली जाएगी। इसीलिए जो मुसल्ले आते हैं जिन पर फर्ज काबा की, बैतुल मकदीस की फर्जी तस्वीरें हैं, ये मुसल्लों में तस्वीरें काबा की हैं, बैतुल मकदीस की, कोई असली थोड़ी है, तो फर्जी है सब। उनके साथ ताजिम का मामला करना भी दुरुस्त नहीं है, और उस पर पैर रखकर खड़ा होना, उस पर बैठना, ये भी नहीं चाहिए। इसलिए ये मुसल्ले इस्तेमाल ही नहीं करने के। मैं एक मर्तबा सफर कर रहा था, बहुत पुराना किस्सा है। ट्रेन में दो बेंच होती, उसके बीच में थोड़ी जगह होती है, तो मैंने दरखास्त करके वहां मैंने मुसल्ला बिछाया और मैं नमाज पढ़ रहा, तो दाएं बाएं हिंदू बैठे हुए, तो वो मुसल्ले में काबा का फोटो था, उस काबा के अंदर बीच में, वो पूरी मस्जिद के बीच में काबा भी नजर आ रहा। तो मैं नमाज पढ़ रहा, एक हिंदू ने दूसरे हिंदू से कहा इशारा करके कि वो जो फोटो है उसके बीच में वो जो काला काला है, ये मुसलमान इसको पूजते हैं। ये एक हिंदू ने दूसरे हिंदू को समझाया, मैं नमाज में सुन रहा। उस दिन से मैंने वो मुसल्ला तो छोड़ ही दिया, बाकी अगर कभी इस्तेमाल भी किया तो सफर में लेकर कभी नहीं चलता। क्यों? उसने गलत था, वो समझा हम इसको पूजते हैं। काबा को हम नहीं पूजते, काबा की तरफ मुंह करते, पूजते अल्लाह की इबादत करते हैं, बंदगी अल्लाह की। अहले नजर किबला को किबला नुमा कहते हैं,
ये जो बैतुल्ला शरीफ किबला है, किबला नहीं है, ये किबला नुमा है, किबला दिखलाता है, अल्लाह की तरफ जहन को मुतवज्जे करता है। तो हम तो किसी को अल्लाह के अलावा किसी को पूछते नहीं। उसने समझाया कि ये बीच में काला काला है, इसको ये मुसलमान पूछते हैं। इसलिए ये अव्वल सफर में किसी गैर मुस्लिमों के सामने ये मुसल्ला इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और घर में भी इस्तेमाल करो तो उस जगह की तौहीन मत करो, उसको पैर रख कर मत खड़े हो, उसको बैठो मत, और ये बचना मुमकिन न हो तो मुसल्ले इस्तेमाल ही मत करो। बहरहाल मैंने ये कहा कि इस तरह की जो चीजें हैं इनकी उनको जाये कर देना है, खत्म कर देना है, मगर इहानत नहीं होनी चाहिए, उनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। तौहीन किए बगैर ऐसी चीजें जाये करो, उसकी बहुत सी शक्लें हैं जो हो सकती है। मसलन जला देना, ये भी एक शक्ल है, लेकिन उससे कुरान पाक मुस्तस्ना है, और कुरान पाक जबकि कुरान की सिर्फ आयत है या कुरान पाक है, वो नहीं जलाना। लेकिन अगर किसी मजमून के जिम्न में कुरान की आयतें हैं तो उसे जला सकते हैं, वो आयत जलाना नहीं है, वो ताबे हो गई, पूरा मजमून जला है। एक तरीका था कुओं में डालने का, अब यहां तो कुएं हैं ही नहीं, तो झीलों में डालने का और दरियाओं में डालने का, तो हुकूमत मना करती है, पॉल्यूशन हो जाता है। अगर सभी जाकर झील में डालेंगे तो उसी झील से पानी पीते भी हैं और फिर ये चीजें डालेंगे तो पॉल्यूशन होगा। बस उसका बेहतर तरीका ये है, एक पाउडर आता है जंगल में जाकर घड़ा खोदो, वो जो ऐसी सब चीजें हैं किसी मस्जिद में सब जमा करो और सब महल्ले की तरफ से ये सर्विस मस्जिद अंजाम दे, जंगल में घड़ा खोद कर डालकर वो पाउडर उस पर छिड़क दिया, मिट्टी भर करके आ जाए, हफ्ते के बाद अंदर खत्म हो जाए। जहां बहुत ज्यादा अमवात होती है वहां मैयत को दफन करके भी वो पाउडर कब्र में डाल दिया जाता है, तो एक महीने में अंदर मैयत खत्म। बहरहाल ये शक्लें हैं, इसके अलावा आप सोचें आपके जहन में और भी बेहतर शक्लें आ सकती हैं। गरज तौहीन नहीं करनी, एहतराम के साथ ऐसी चीजें जाये करो। कितनी देर है भाई? हाँ बस बस, हाँ बस, बोलता नहीं है कोई, सब बैठे चुपचाप बैठे रहते हैं। 15 मिनट पहले बता देना है कि आपकी ड्यूटी है जनाब, जब इस तार में 15 मिनट रहे हैं बता देने की। क्यों? ये खासा है, बेतकल्लुफ बोलेंगे।